हेलो दोस्तों, जेपीएससी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जेपीएससी का जो 10 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि आज तो 6 तारीख है और 2 से 3 दिन हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग ऐसे में कौन कौन सा टॉपिक को कवर करें कि हम लोग को एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सके। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। तो मैं बता दूं कि आप लोग को जो स्क्रीन में जो दिख रहा है जो सिलेबस, उसमें से कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, और ऐसे में मैं टोटल इसका सिलेबस बता दे रहा हूं, और इसमें जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। आप लोग ऐसा कीजिएगा, वीडियो को देखते ही आप लोग एक पेपर लीजिएगा और पेन लीजिएगा और ये राइट डाउन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है देखिए कि पेपर 1 और पेपर 2 आएगा। जो पेपर 1 आपको 100 मार्क्स का रहेगा, जो जनरल स्टडी है, तो जनरल स्टडी में कौन कौन सा आएगा वो आप लोग देख लीजिए। पहला तो हिस्ट्री है, सेकंड है ज्योग्राफी, थर्ड है पॉलिटी, फोर्थ है इकोनॉमिक ऑफ इंडिया एंड 5 है झारखंड। तो पहला हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक को कवर करेंगे। पहले तो जानते हैं कि इसमें टोटल आपको हिस्ट्री से कितना टॉपिक पूछा जाएगा। तो इसमें 4 टॉपिक टोटल पूछा जाएगा। पहला है देखिए हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में कौन कौन सा आएगा देखिए, प्री हिस्टोरिकल कल्चर इन इंडिया, यानी आपको पहला ये हो गया, और सेकंड हो गया इंडस सिविलाइजेशन ऑर्गेन्स द डिफरेंट फेसेस सोसाइटी इकोनॉमिक एंड कल्चर, एंड थर्ड कवर कीजिएगा वैदिक सोसाइटी, वैदिक टेस्ट चेंज फ्रॉम ऋग्वैदिक टू लेटर वैदिक फेसेस, एंड फोर्थ है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पास्टोरल एंड फार्मिंग सोसाइटी एक्सेट्रा। तो देखिए हिस्ट्री में आपका 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट में से आपका 2 पॉइंट पहले ही टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहला है प्री हिस्टोरिक कल्चर इन इंडिया, एंड सेकेंड है इंडस सिविलाइजेशन ऑरिजिन्स द डिफरेंट फेसेस सोसाइटी इकोनॉमिक्स एंड कल्चर, ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड थर्ड है मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया में से कौन कौन सा टॉपिक आएगा वो भी देख लीजिए, इसमें से 5 टॉपिक आएंगे। तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक आएंगे वो मैं बताता हूँ, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं बताऊँगा। तो पहला लिख लीजिएगा ब्रिटिश एक्सटेंशन, सेकेंड इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश राज, एंड थर्ड है कल्चरल इनकाउंटर एंड सोशल चेंजेस, फोर्थ है कन्फ्रंटेशन टू ब्रिटिश रूल, एंड फिफ्थ है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द फर्स्ट स्टेज एक्सेट्रा। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ब्रिटिश एक्सटेंशन है, और फिफ्थ पॉइंट में देखिएगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द फर्स्ट स्टेज, ये आप टिक लगा लीजिएगा। क्योंकि देखिए आपको सारा सिलेबस मैं बता दे रहा हूँ, जिनको सिलेबस लिखना होगा वो लिख लीजिएगा, और जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, और ये आपको पीटी है, इसमें आपको केवल क्वालिफाई ही केवल करना है, क्योंकि इसमें मेरिट में आपका नंबर ऐड नहीं होगा। मेंस का जितना पेपर है वो आपको ऐड होगा, उसके बेस पे आपको मेरिट लिस्ट रेडी किया जाएगा। तो आप लोग ये सोचिए या कि आप पीटी कैसे क्वालिफाई कर ले, तब फिर आप लोग अपना मेंस का तैयारी कर सकते हैं। और 64 सीट काफ़ी होते हैं, और जेपीएससी पोस्ट के लिए काफ़ी हैं, और ये काफ़ी साल के बाद आए, लगभग वही 6 साल के बाद ये फॉर्म आया है। तो आप लिख लीजिएगा मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया में कौन कौन सा टॉपिक आएंगे, ब्रिटिश एक्सटेंशन, ये तो आपका हो गया मॉडर्न इंडिया, एंड थर्ड इंडियन नेशनल मूवमेंट,
इंडियन नेशनल मूवमेंट में से 12 आपको टॉपिक आएंगे। तो 12 टॉपिक आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। इंडियन ऑन द इवन ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट, एंड सेकंड है कॉज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया, एंड थर्ड है ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट ऑफ बंगाल, एंड फोर्थ है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, एंड फिफ्थ है रिलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड नाइबर कंट्री, एंड सिक्स्थ है ब्रिटिश इंडिया एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, एंड सेवेंथ है मैसूर रेसिस्टेंस ऑफ द कंपनी, एंड एट है एंग्लो मराठा स्ट्रगल फ्रॉम सुप्रेमेंसी, एंड नाइन्थ है कॉन्क्विस्ट ऑफ सिंध, एंड टेंथ है कॉन्क्विस्ट ऑफ पंजाब, एंड इलेवेंथ है एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, एंड ट्वेल्थ है आपका रेसिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश बिफोर 1857। ये आपका सिलेबस में दिया गया है, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका हो गया है जो फोर्थ आपको पॉइंट दिया गया है, एक्सपेंशन एंड कॉन्सिलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, एंड फिफ्थ है मतलब आपका सेकेंड आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो फिफ्थ पॉइंट में दिया गया है, रिलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड नाइबर कंट्री, एंड सिक्स्थ है मीन्स आपका जो थर्ड आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्रिटिश इंडिया एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। आपको मैं इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ क्योंकि 2 से 3 दिन ही बचा हुआ है, और 3 दिन में आप लोग जितना ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन कर सके उतना कर लीजिए, और ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई 10 मिनट होगा, तो 10 मिनट में आपका ये सारा कुछ कवर हो जाएगा, इसलिए ये वीडियो आप पूरे देखें और अच्छी तरह से देखें। नेक्स्ट है आपका इंडियन ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में से कौन कौन सा क्वेश्चन है, और ज्योग्राफी में से आप लोग मैं ये बता दूं कि मैं पिछले वीडियो भी बनाया था कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो ज्योग्राफी सेक्टर से ही आए हैं, और ज्योग्राफी सेक्टर आपको मेन मेजर पॉइंट इसलिए माना जाता है क्योंकि आपको ज़्यादा मार्क्स लाइएगा तो क्वालिफाई भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो लिख ही लीजिएगा इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया एंड इट्स बेसिक फिजिकल फीचर्स, एंड सेकंड रिवर सिस्टम और क्लाइमेट, एंड थर्ड है मिनरल एंड इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ये है इंडियन ज्योग्राफी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें से जितने टॉपिक है उसमें सारा का सारा आप लोग कीजिएगा क्योंकि ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में से ज़्यादा आपको क्वेश्चन लिया जाता है। तो ये इसमें आपको हम इम्पोर्टेंट तो सारा नहीं बता सकते हैं, ये ऐसे कीजिएगा इसको सारा का सारा कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें आपको टोटल है चार टॉपिक दिए गए हैं, मेजर नेचुरल रीजन, एंड सेकंड है रीजनल ज्योग्राफी ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज, एंड थर्ड है रीजनल ज्योग्राफी ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज, एंड आपका दिया गया है तीन आपको दिए गए हैं, तीन ही आपको टोटल है, तो तीन आप लोग पूरा कवर कर लीजिएगा। एंड फोर्थ है फिजिकल ज्योग्राफी, आपको जो फोर्थ जो दिया गया ये फिजिकल ज्योग्राफी आपको दिया गया, ये भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। एंड आपको जियोमॉर्फोलॉजी से भी आपको आएगा, क्लाइमेटोलॉजी से भी आएगा, एंड थर्ड में है ओशनियोलॉजी से भी आएगा, फोर्थ है बायोग्राफी से भी आपको आएगा। अब नेक्स्ट आपको जो टॉपिक आता है नेक्स्ट आप लोग लिख लीजिएगा तो ये आपको था पेपर वन का, तो पेपर वन का तो आपको पूरा बता दिया हूँ सिलेबस, और पेपर टू का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो फिर आप लोग पेपर टू के लिए आप कौन कौन सा टॉपिक कवर कीजिएगा वो देख लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड रीजनिंग। इसमें मीन्स आपका साइंस का PCM आपका PCB है और रीजनिंग आपको दिया गया। तो पहले बायोलॉजी में इंट्रोडक्शन तो कर ही लीजिएगा, इंट्रोडक्शन तो शायद आप लोग को लगभग पढ़ ही लिए हैं। टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, एंड फोर्थ साइटोलॉजी, फिफ्थ जेनेटिक्स, सिक्स्थ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम,
and 7 plant morphology and 8 plant tissue etc. तो ये आप जो 8 टॉपिक दिया गया वो 8 का 8 भी कवर कर लीजिएगा। इसमें कुछ ज़्यादा आपको हार्ड नहीं दिया गया, वही 7 टू 10 बेसिस का आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मीन्स 7 टू और 10 क्लास का जो दिया गया है बायोलॉजी बुक है उसमें से कुछ पढ़ लीजिएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको आएगा। और जितना आपको दिया गया पीसीबी का दिया है उसमें आपको 9-10 ही पढ़ लीजिएगा, आपको सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। फिजिक्स का देख लीजिएगा, आपका मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस एंड 2 है काइनेटिक्स एंड ऑसिलेशन एंड वेव्स एंड 3rd है एनर्जी एंड मोमेंट ग्रेविटी एंड 4th है डायनेमिक सर्कुलर मोशन एंड 5th है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड 6th है थर्मोडाइनेमिक एक्सेट्रा। एंड केमिस्ट्री का देख लीजिएगा, केमिस्ट्री में आपको दिया गया है मैटर एंड इट्स स्टेट एंड 2 है एसिड एंड 3rd है बेसिक एंड सॉल्ट 4th है बिहेवियर ऑफ गैस एंड 5th है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड 6th है केमिकल बॉन्डिंग एंड 7th है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड 8th है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन 9th है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 10th है इलेक्ट्रोलाइसिस एंड 11th है फ्यूल एंड 12th है मेटलर्जी। अब देखते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन सा हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे, तो उसका आपको जो जितना टॉपिक है टोटल आपका 14 टॉपिक है, 14 का 14 टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग कवर कर लीजिएगा। पहला आपका दिया गया कोडिंग एंड डिकोडिंग, सेकंड है एसर्टेंस एंड रीजन, 3rd है एनोलॉजी, 4th है ब्लड रीजनिंग एंड 5th है लॉजिकल रीजनिंग एंड 6th है डाटा इंटरप्रिटेशन, 7th है आपका पजल, 8th है क्लासिफिकेशन, 9th है आपका नंबर सीरीज, 10th है सीक्वेंस, 11th है डाटा सफिशिएंसी, 12th है आपका डायरेक्शन एंड 13th है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, 14th है लॉजिकल वेन डायग्राम। तो ये आपको टोटल आप कंप्लीट सिलेबस है, इसमें से आप लोगों जितना पेपर वन में इम्पोर्टेंट मैं बताया हूँ उतना आप लोग कवर कर लीजिए, और पेपर टू में जितना आपका पीसीबी आपको दिया गया वो आपको 9-10 से कवर कर लीजिएगा, और आपका जो रीजनिंग आपको दिया गया है रीजनिंग भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, जे